नमस्कार, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं रात को ही काम कर रहा था तो मैंने कहा कि आप लोगों से एक चीज़ शेयर करूँ जो कि ज़रूरी है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं आपसे बताऊँ। प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे बोनट जो है ना, वो टकरा रहा है हमारी बॉडी से। और जब हम बोनट खोलने के लिए जो भूख को खींचते हैं ना, तो उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो खुल ही नहीं रहा है। मतलब एक को सामने खड़ा होना पड़ता है, बोनट को उठाना पड़ता है, तब जाके वो खुलता है। तो इसी की प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे। और साथ में अगर आपके बोन क्या होता है ना, बोनट टेंशन में रहना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी बॉडी को वो काट देगा और साथ में आपके हिंचेस को भी वो नुकसान करेगा। तो ज़्यादा हम लेट नहीं करते हैं, छोटा सा शायद वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, तो हम आपको वही चीज़ को दिखाएंगे। इससे आपके बोनट की लाइफ भी बढ़ जाएगी और शायद आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है? कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखिए, ये कट गया है। पहले मैं सोचता था कि शायद ये रबर के कारण होगा ऐसा, और खुल नहीं रहा है शायद रबर के कारण होगा, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं था। ये रबर के कारण नहीं है, वो हमारे मालूम किसके कारण है, इनके कारण है जी। ये हमारा यहाँ पे लगा हुआ रहता है और ये बॉडी से हल्का सा उठा रहता है तो यहाँ पे आके बैठता है यहाँ पे। और उसमें क्या होता है कि ये हमारे जो बोनट को है ना, टेंस देता रहता है, हल्का सा दबाए रखता है। तो जैसे ही हम हुक को अपनी तरफ पुल करते हैं, खींचते हैं, तो वो क्या है कि जब ये टेंस रहता है ना, तो खट से ऐसे उठ जाता है, आपको समझ में आता है। तो आज हम इसी को रिपेयर करेंगे। तो आपको करना क्या है, देखिए इसको तो मैंने रिपेयर कर दिया है। एक चीज़ की और मैं बात बता दूँ, इसको खोलते वक्त ये इतना ज़्यादा टाइट हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने क्या किया, फिर दूसरा ही ला लिया। ये 13 नंबर का रिंच लगता है आपकी गाड़ी में, 13 नंबर के रिंच से आप इसको खोल सकते हैं, ये जो रिंच। अब इसको खोलने के लिए इतना ये टाइट पड़ गया ना कि प्रॉब्लम हो गई। ऐसे ही सेम ये वाला भी, तो ये आपके लिए इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है कि चलो आप जब देखोगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये हमेशा सूखे पर नहीं, हल्का फुल्का ऑयल ऑयल डाल दीजिए या ग्रीस डाल दीजिए तो बढ़िया है। तो अभी तो हम ग्रीसी का हल्का सा यूज करेंगे, तो ग्रीस को ऐसे हल्का सा डाल दीजिए, ऑयल सॉरी डाल दीजिए हल्का सा। ये हल्का सा ऑयल डल गया है और आपको इसमें भी हल्का सा ऑयल डाल देना है। और ये जो आपके दो वाशर होते हैं ना, ये इसको टाइट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि, तो ये देखिए, इसको आपको इसमें फिट करना है, इसमें, और इसको इसमें डाल देना। ऊपर वाला फ्री रहता है, जब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो ऊपर वाला है ना, ये फ्री रहता है, पर खोलने के चक्कर में ये टाइट था, बहुत ज़्यादा टाइट था, मैंने बहुत मुश्किल से निकाला। तो इसको आपको फिट करना है और फिर आपको ये नीचे वाले को टाइट कर देना है, जिससे ये हिले डुले नहीं और आपका प्रॉपर बना रहे। तो इसकी मेरे को सेटिंग मालूम है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आपको इसको इतना नीचे करना है किससे हल्का सा नीचे आ जाए, इसको ऐसे हल्का सा करिए, ये आ गया अभी थोड़ा सा, अभी ये काम सही है, अभी आप इस पर कर सकते हैं। ये देखिए, इसको फिट कर दिया और फिर इसको हम फिट करेंगे। इसको भी देखते हैं, उतना ही होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे का रखना है। हाँ जी, अभी परफेक्ट। आपको चेक करने के लिए क्या करना है, बोनट को खोलना, बंद करना है। तो चलिए हम बोनट को बंद करते हैं। ये देखिए, बोनट तो बंद हो गया है। और ध्यान दीजिएगा कि जब वो बोनट बंद हो, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको टच नहीं होना चाहिए। ये देखिए, अभी ये टच नहीं हुआ है। तो जब भी आप करें, तो जितनी पोजीशन ये है इस पे आपका बोन, जितनी पोजीशन ये है आपका, इस पे बोनट टच नहीं होना चाहिए उस रबर से। जब आप इसको दबाएंगे ना, तब बोनट को टच होना चाहिए। तो अभी हम इसको बंद करके देखते हैं, पहले ये नहीं बंद होता था। और हाँ, उंगली भी आपकी नहीं जानी चाहिए, तो थोड़ा सा भी ज्यादा गैप है,
फिर भी अभी ये खोलेंगे ना तो खुल जाएगा, पहले हमारा ऐसे नहीं खुलता था। देखिए खुल गया, थोड़ा सा और सेटिंग करनी है, थोड़ा सा और नीचे उसको बिठाना है। ये देखिए हमारा परफेक्ट सेट हो गया है, इसकी भी साइज लगभग सेम ही है और इसकी भी साइज लगभग सेम ही है। थोड़ा सा अंतर है, ये थोड़ा सा उठा हुआ है, पता नहीं ये हल्का सा उठा हुआ है, वो हल्का सा दबा हुआ है, लेकिन जब हम इसलिए दबा है शायद बोनट में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो बराबर टेंशन होना चाहिए, इसलिए हल्का सा मैंने इसको उठा दिया है और उसको हल्का सा मैंने दबा दिया। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं अगर आपके में ऐसी ही टच होती है। क्या है ना, पहले मैं जब गाड़ी चलाता था ना तो हल्का सा ये बोनट हिलता था, इसमें ये टाइट होता है। फिर आपको जितना हो गया बढ़िया है, फिर उसको आपको 13 नंबर रेंच से इसको टाइट कर देना है नीचे वाले को। ये भी टाइट हो गया, अभी हमारा काम पूरा हो चुका है। तो ये देखिए अब परफेक्ट, ये सही ढंग से लग गया। अब आपको मैं दिखाता हूं कि गैपिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसको आप ज्यादा उठा देंगे ना तो गैपिंग आ जाती है आपके इसमें, तो गैपिंग भी नहीं आनी चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। तो अभी मैं बोनट को बंद करता हूं, ये देखिए पूरी उंगली मेरी नहीं जानी चाहिए, पूरी उंगली नहीं जा रही, कहीं से भी नहीं जा रही, ये देखिए। और गैपिंग देख लीजिए, ये देखिए इतना भी वही है, इतने में भी वही दिख रही है आपको गैप। हल्का सा आपको गैपिंग ज्यादा दिखेगी क्योंकि ये एक्चुअल में यहाँ पे ये लगा हुआ है ना तो ऐसा कम लगता है। और ये देखिए कुछ सेम टू सेम है, कोई भी अंतर नहीं है, ये देखिए ये कुछ प्रॉपर फिटिंग है इस गाड़ी में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसा नहीं है कि जितना साइज ये रहेगा उतनी ही साइज ये रहेगा, कभी कभी 19-20 हो जाता है, तो आपको टेस्ट करके ही लगाना है अपने से की मेजर लेके कि कितने पे कितना सही ढंग से होना चाहिए। तो बस इसी नोट पे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आपने किया है तो आपका दिल से धन्यवाद। मैं बुलेरो से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, तो आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।